हेलो बच्चों, अगर इन क्वेश्चंस को पी वाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए तो आपको कितना टाइम लगेगा? तो आप कहेंगे सर ये पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर तो एकदम आसान है, ये होगा 235 अपॉन डेसिमल के बाद दो डिजिट है तो वन पर हम दो जीरो रखेंगे, है ना, तो ये होगा। लेकिन अगर ये रेकरिंग वाले नंबर को पी वाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए तो शायद आपके लिए ये टफ हो सकता है। और क्लास टेंथ में आपने एक्स इज इक्वल टू समथिंग लेट करके इस प्रकार से एक लंबा चौड़ा प्रोसेस से इनको पी वाई क्यू को फॉर्म में कन्वर्ट किया था। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि इसका आंसर आप 2 सेकेंड में निकाल सकते हैं तो शायद आपको आश्चर्य होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कि 2.355 पर रेकरिंग है, तो आप एक काम करो, सबसे पहले डेसिमल और रेकरिंग को भूल जाओ। तो आपको क्या नजर आएगा? आपको नजर आएगा यहाँ पर 235, है ना, 235। और 235 में हमें माइनस करना है उस नंबर को जिस पर रेकरिंग नहीं था। किस पर रेकरिंग नहीं था? तो 23 पर रेकरिंग नहीं था, है ना, तो -23 हो गया अपॉन। अब जो डिनोमिनेटर में लिखना है ये डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स को देख करके लिखना है। आप देखें कि डेसिमल के बाद में कितने डिजिट पर रेकरिंग है और कितने पर रेकरिंग नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि एक पर रेकरिंग है तो उसके लिए आप एक 9 लिखें, और एक पर रेकरिंग नहीं है तो उसके लिए आप 0 लिखें, है ना। तो जो हमारा आंसर होगा ये होगा 212/19, ये आंसर होगा डायरेक्ट। जैसे इस थर्ड क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो क्या आंसर होगा? सबसे पहले आप डेसिमल और रेकरिंग को भूल जाइए। तो ये क्या हमें नजर आ रहा है? 2312 माइनस क्या करेंगे? 23, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको माइनस करेंगे अपॉन डेसिमल के बाद कितने पर रेकरिंग? 2 पर, तो 2 9। कितने पर रेकरिंग नहीं है? कितने पर रेकरिंग नहीं है? 1 पर, तो ये हमारा आंसर होगा। थर्ड क्या क्या नजर आ रहा है आपको? अगर डेसिमल और रेकरिंग को भूल जाएंगे तो ये होगा 2312 माइनस माइनस जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर रहे हैं, होल डिवाइडेड बाय 99, ये आंसर होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन 23121, है ना, डेसिमल और रेकरिंग को अगर भूल जाते हैं तो ये होगा माइनस जिस पर रेकरिंग नहीं है कि 231 डिवाइडेड बाय डेसिमल के बाद कितने पर रेकरिंग? 2 पर रेकरिंग। कितने पर रेकरिंग नहीं? 1 पर, ये हमारा आंसर होगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि रेकरिंग वाले नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।